संवाद लाइव। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। अच्छा सुनो, सब्सक्राइब करते वक्त ना घंटी बजा देना ताकि जब मैं ऑनलाइन आऊं तो तुम्हारे फोन की भी घंटी बजे। तो पहला प्रश्न है, उत्तराखंड राज्य की सबसे बड़ी जल विद्युत परियोजना है, उत्तराखंड राज्य की सबसे बड़ी जल विद्युत परियोजना है टिहरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देश का पहला एयर एम्बुलेंस डेमो कहां शुरू हुआ, तो ये डेमो हुआ था कहां, सहस्त्रधारा में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तराखंड में किस जनपद की पुरुष जनसंख्या सबसे अधिक है, ये जनसंख्या है हरिद्वार की सबसे अधिक, ठीक है। सेम मुख्य मंदिर है, किसका है, तो यह है नागराजा का, सेम मुख्य मंदिर है नागराजा का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुगल शहजादा जिसने श्रीनगर गढ़वाल में आश्रय लिया वह कौन था, सुलेमान सिको, ठीक है। नेक्स्ट है, पद्मश्री लेखिका शिवानी का मूल नाम था, जो पद्मश्री लेखिका शिवानी उसका मूल नाम था गौरा, ठीक है। नेक्स्ट है, उत्तराखंड का गांधी के नाम से जाना जाता है, कौन जाना जाता है उत्तराखंड के गांधी के नाम से, ये जाना जाता है इंद्रमणि बडोनी, ठीक है। नेक्स्ट है, उत्तराखंड का राज्य पशु है, उत्तराखंड का राज्य पशु क्या है, कस्तूरी मृग, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तराखंड में राजा जी नेशनल पार्क कितने जनपदों में है, तो ये तीन जनपदों में है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तराखंड में लोक कला अल्पना के लिए प्रचलित शब्द है कौन सा प्रचलित है, अपर्ण, ठीक है। नेक्स्ट है, अल्मोड़ा के निकट ऐतिहासिक खतमारा किले का निर्माण किसके द्वारा किया गया था, ये किले का, तो किसके द्वारा किया गया था, चंदों के द्वारा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिल यात्रा लोक नाट्य का केंद्रीय पात्र कौन है, इसका केंद्रीय पात्र है लकियाबू, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टिहरी जल विद्युत परियोजना निम्नलिखित में से किन नदियों पर बनाई गई है, यह बनाई गई है भागीरथी और बिलंगना नदी पर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेहरू पर्वतारोहण संस्थान कहां स्थित है, वह जगह है उत्तरकाशी, ठीक है। और नेक्स्ट है, चमोली जिला का रैणी गांव किस वन आंदोलन हेतु प्रसिद्ध है, ये किस वन आंदोलन के, चिपको आंदोलन के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। नेक्स्ट है, किस फसल को गढ़वाली में साटी कहा जाता है, किसको कहा जाता है साटी, तो ये कहा जाता है किसको, धान को, ठीक है, ये कहा जाता है धान को, साटी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अल्मोड़ा में डिबेटिंग क्लब की स्थापना कब हुई, ये हुई 1870 में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एशिया का प्रथम इंजीनियरिंग कॉलेज स्थापित किया गया कहाँ, रुड़की में, ठीक है। नेक्स्ट है, झोड़ा नृत्य जो पिथौरागढ़ को पिथौरागढ़ में क्या कहते हैं, जो झोड़ा नृत्य है उसको पिथौरागढ़ में क्या कहते हैं, इसको कहते हैं भैनी, भैनी कहते हैं पिथौरागढ़ में झोड़ा नृत्य को, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी उत्तराखंड की सर्वोच्च चोटी है, ये नंदा देवी सर्वोच्च चोटी है, ठीक है। उत्तराखंड स्थापना दिवस मनाया जाता है 9 नवंबर को, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नवाघाट स्थित है कहाँ, ऋषिकेश में। नेक्स्ट है, नेशनल एकेडमी ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन स्थित है, ये स्थित है मसूरी में, ठीक है। नेक्स्ट है, प्रसिद्ध दून स्कूल की स्थापना किसने की थी, ये दून स्कूल की स्थापना सी आर दास ने की थी 1935 में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चिपको आंदोलन के सक्रिय कार्यकर्ता गौरा देवी का जन्म हुआ कहाँ हुआ, इनका जन्म लातागांव में, ठीक है, इनका जन्म हुआ लातागांव में। नेक्स्ट है, प्रसिद्ध गौचर मेला कब आरंभ हुआ, प्रसिद्ध गौचर मेला 1973 में 180 के द्वारा आरंभ किया गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टिहरी रियासत की राजधानी टिहरी की स्थापना कब हुई, जो टिहरी रियासत की राजधानी टिहरी की स्थापना कब हुई, 28 दिसंबर 1815 को, ठीक है। नेक्स्ट है, बूट चौलाधारी सूर्य भगवान मंदिर किस जनपद में, बूट चौलाधारी सूर्य भगवान किस जनपद में है, चमोली में, ठीक है। नेक्स्ट है, झाल बिनाई दमामा मुरैयो है, झाल बिनाई दमामा मुरैयो क्या कुमाऊं के वाद्यंत्र है, ठीक है। नेक्स्ट है, उत्तराखंड में प्रथम परमवीर चक्र विजेता का नाम क्या था, उत्तराखंड में प्रथम परमवीर चक्र विजेता है उसका नाम क्या था, मेजर सोमनाथ शर्मा, ठीक है। नेक्स्ट है, जॉली ग्रांट हवाई अड्डा स्थित है कहां स्थित है, देहरादून जनपद में, ठीक है। जो जॉली ग्रांट हवाई अड्डा है वो किस जनपद में, देहरादून जनपद में। नेक्स्ट है, उत्तराखंड में सर्वाधिक पलायन करने वाला जिला कौन सा है, कौन सा है, पौड़ी, ठीक है। नेक्स्ट है, उत्तराखंड का राज्य खेल है, उत्तराखंड का राज्य खेल क्या है, फुटबॉल है, इनमें से कोई नहीं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसे 2018 का पद्मश्री सम्मान मिला, किसको मिला 2018 का पद्मश्री सम्मान, ये मिला विक्रम चंद्र ठाकुर को 2018 का पद्मश्री सम्मान मिला, ठीक है। नेक्स्ट है, उत्तराखंड में ट्यूलिप फूल गार्डन, ट्यूलिप गार्डन किस जनपद में बनाया गया, तो जो ट्यूलिप गार्डन है ये पिथौरागढ़ जनपद में बनाया गया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तराखंड में रंगवाली पिछौड़ी के लिए प्रसिद्ध है, जो रंगवाली पिछौड़ी के लिए प्रसिद्ध है अल्मोड़ा, ठीक है। नेक्स्ट है, उत्तराखंड में कितने जिलों में बृहत्तर हिमालय का फैलाव, जो बृहत्तर हिमालय का फैलाव 3 जिलों में है, ठीक है। नेक्स्ट है, उत्तराखंड अंतरिक्ष उपयोग केंद्र की स्थापना कब की गई थी, ये की गई थी 2005 को। नेक्स्ट है, उत्तराखंड का उपनाम है क्या है, देवभूमि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तराखंड में 4 नए जिले बनाने की घोषणा कब हुई थी, कब हुई थी 2012 को हुई थी 4 नए जिले बनाने की घोषणा, ठीक है। नेक्स्ट है, गणिका नाटक नामक ग्रंथ के लेखक कौन है, गणिका नामक जो नाटक ग्रंथ है इसके लेखक है मौलाराम, ठीक है। नेक्स्ट है, ट्रेल ने 9 पटवारियों के नए पद कब सृजित किए थे, ये किए थे 1819 को, ठीक है। नेक्स्ट है, भगवावासा बुग्याल स्थित है, जो भगवावासा बुग्याल है वो किस जनपद में स्थित है, यह चमोली में भगवावासा बुग्याल, ठीक है।
नेक्स्ट है डांग खर्क बुग्याल स्थित है, ये भी चमोली में है डांग खर्क बुग्याल। नेक्स्ट है चंद शासकों के समय नगद के बदले दिया गया अनाज था, जो नगद के बदले दिया गया अनाज क्या था, कूत था, कूत। ठीक है, नेक्स्ट है गोरखों के समय पुत्रहीन व्यक्ति से लिया जाने वाला कर, जो पुत्रहीन व्यक्ति था उसे लिया जाने वाला कर मरो कर था। ठीक है, गोरखों के टाइम पीरियड में। नेक्स्ट है चंद शासकों के समय घराटों पर लगने वाला कर था, जो घराटों पर लगने वाला कर था उसको कहते हैं भाग। ठीक है, नेक्स्ट है बीरेंद्र शाह चित्र संग्रहालय कहाँ स्थित है, जो बीरेंद्र शाह चित्र संग्रहालय है ये देहरादून में स्थित है। नेक्स्ट है रामेश्वर मेला लगता है, रामेश्वर मेला कहाँ लगता है, ये लगता है पिथौरागढ़ में। ठीक है, नेक्स्ट है पाताल रुद्रेश्वर गुफा, चंपावत की खोज कब की गई थी, जो पाताल रुद्रेश्वर गुफा है इसकी खोज की गई थी 1993 में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है पोखदेवता मंदिर किस जनपद में है, ये उत्तरकाशी जनपद में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है उत्तराखंड में तिलो रौतेली पेंशन योजना की शुरुआत कब हुई थी, जो तिलो रौतेली पेंशन योजना है उसकी शुरुआत 1 अप्रैल 2014 को हुई थी। ठीक है, नेक्स्ट है विश्व का उच्चतम पुरातात्विक स्थल है कौन सा है, यह है रूपकुंड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है बीर चंद्र सिंह गढ़वाली पर भारत सरकार ने कब डाक टिकट जारी किया, जो बीर चंद्र सिंह गढ़वाली पर डाक टिकट जारी किया 1994 में। नेक्स्ट है तिलो रौतेली पर वार करने वाले कत्यूरी सैनिक का नाम क्या था, जो तिलो रौतेली पर वार करने वाला कत्यूरी सैनिक था उसका नाम क्या था, रामू रजवाड़। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है गढ़वाल के लोक नृत्य पुस्तक के लेखक है, जो गढ़वाल की लोक नृत्य पुस्तक है इसके लेखक है शिवानंद नौटियाल। नेक्स्ट है आधुनिक चाय फैक्ट्री स्थित है, जो आधुनिक चाय फैक्ट्री है वो कहां स्थापित है, यह है कौशानी, कौशानी में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है मक्का की खेती मुख्य रूप से की जाती है, जो मक्का की खेती है मुख्य रूप से की जाती है नैनीताल जिले में। ठीक है, नैनीताल में की जाती है मक्का की खेती। नेक्स्ट है प्रथम उत्तराखंड जिसे गांधी कम्युनिटी अवार्ड मिला, किसको मिला, स्वामी राम को गांधी कम्युनिटी अवार्ड मिला। नेक्स्ट है चंद वंश के शासनकाल में जमीन के मालिक को क्या कहा जाता था, ये कहा जाता है थातवान, जमीन के मालिक को कहा जाता था चंद के टाइम पीरियड में। उत्तराखंड में ग्लेशियरों की मदर टेरेसा किसे कहा जाता है, जो ग्लेशियरों की मदर टेरेसा है किसे कहा जाता है, रूपा देवी को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है गलोबंद नायक रचना के लेखक हैं, जो गलोबंद नायक रचना है इसके लेखक कौन है, प्रकाश पुनेठा, गलोबंद नायक रचना के लेखक। ठीक है, नेक्स्ट है हिमालय संगीत शोध संस्थान स्थित, जो हिमालय संगीत शोध संस्थान है हल्द्वानी में स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है उत्तराखंड में फॉरेस्ट ग्रीवेंस कमेटी का गठन हुआ, जो फॉरेस्ट ग्रीवेंस कमेटी 13 अप्रैल 1921 को गठित हुई। नेक्स्ट है प्रजामंडल की स्थापना कब हुई, जो प्रजामंडल की स्थापना हुई ये हुई 23 जनवरी 1930 को। ठीक है, प्रजामंडल की स्थापना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कुमाऊं परिषद, कुमाऊं परिषद का प्रथम अधिवेशन कब हुआ, जो कुमाऊं परिषद का प्रथम अधिवेशन कब हुआ, यह हुआ 1917 को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है देशभक्त प्रेस की स्थापना किसने की थी, तो देशभक्त प्रेस है इसकी स्थापना किसने की थी, बद्रीदत्त पांडे ने। नेक्स्ट है शगुन को छूलो रस्म किस जनजाति में प्रचलित है, जो शगुन को छूलो रस्म है यह थारू जनजाति में प्रचलित है, शगुन को छूलो रस्म। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है चढ़ाई नामक त्यौहार किस जनजाति का, चढ़ाई नामक त्यौहार है ये किस जनजाति का है, तो यह है थारू जनजाति का। नेक्स्ट है हुनिया कहाँ की जनजाति, जो हुनिया है कहाँ की जनजाति है, तिब्बत की जनजाति है। नेक्स्ट है सर्वाधिक नगरों वाला जनपद है, सर्वाधिक नगरों वाला जनपद कौन सा है, हरिद्वार सर्वाधिक नगरों वाला जनपद है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय सर्वेक्षण विभाग को कलकत्ता से देहरादून कब स्थानांतरित किया गया, 1942 को। ठीक है, उत्तराखंड प्रशासनिक प्रशिक्षण अकादमी किस जनपद में स्थित है, ये है नैनीताल में। ठीक है, नेक्स्ट है राज्य में तितलियों का संग्रहालय किस जनपद में स्थित है, जो तितलियों का संग्रहालय है ये कहाँ है, नैनीताल में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हिमालय संग्रहालय की स्थापना कब की गई, जो हिमालय संग्रहालय की स्थापना 2005 को की गई थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है पंडित नैन सिंह रावत ने नेपाल सीमा से ल्हासा तक सर्वेक्षण कब किया था, ये सर्वेक्षण कब किया था इसने, ये किया था 1866 में। ठीक है, नेक्स्ट है ब्रिटिश शासन का ने किसे कंपनी ऑफ इंडियन अंपायर से सम्मानित किया, किसको सम्मानित किया था, ये किया था पंडित नैन सिंह रावत को। ठीक है, नेक्स्ट है सचिदानंद भारती को इंदिरा गांधी राष्ट्रीय पर्यावरण पुरस्कार कब मिला था, ये मिला 2015 को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है नया जमाना साप्ताहिक पत्र कहाँ से प्रकाशित होता है, जो नया जमाना साप्ताहिक पत्र था कहाँ से प्रकाशित होता है, देहरादून से। नेक्स्ट है भारतीय पशु चिकित्सा एवं अनुसंधान संस्थान का नाम इंपीरियल इंस्टीट्यूट ऑफ वेटरनरी रिसर्च कब रखा गया, यह रखा गया 1925 को। ठीक है, यह रखा गया था 1925 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत का प्रथम डाक टिकट किसके द्वारा जारी किया गया था, यह किया गया था भारतीय सर्वेक्षण विभाग के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बाड़ी इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन जियोलॉजी स्थित है, जो बाड़ी इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन जियोलॉजी है ये स्थित है देहरादून में। नेक्स्ट है उत्तराखंड सेवा निधि एवं पर्यावरण शिक्षण संस्थान कहाँ है, ये है अल्मोड़ा में। नेक्स्ट है छोरी बगड़ किस जनपद में स्थित है, छोरी बगड़ है ये पिथौरागढ़ में स्थित है, छोरी बगड़। नेक्स्ट है पाताली बगड़ स्थित है, ये अल्मोड़ा में है, छोरी बगड़ पिथौरागढ़ में और पाताली बगड़ अल्मोड़ा में है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है बड़कोट किस जनपद में है, उत्तरकाशी में। नेक्स्ट है मकुमठ किस जनपद में स्थित है, जो मकुमठ है ये रुद्रप्रयाग में स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है बाबा मणिकनाथ का मंदिर किस जनपद में स्थित है, जो बाबा मणिकनाथ का मंदिर है यह है टिहरी में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है नागकुंड किस जनपद में स्थित है, नागकुंड चमोली में स्थित है। नेक्स्ट है देवकुंड किस जनपद में है, देवकुंड उत्तरकाशी में है। नेक्स्ट है अरवाताल किस जनपद में स्थित है, अरवाताल चमोली में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जामुन व बेर किन वनों की प्रमुख प्रजातियां, जो जामुन व बेर हैं वो किन वनों की प्रमुख प्रजातियां, उष्णकटिबंधीय शुष्क वन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है लक्ष्मी वन बुग्याल स्थित है चमोली में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है उत्तराखंड में किस वृक्ष को शिव की जगह कहा जाता है, जो उत्तराखंड में किस वृक्ष को शिव की जगह कहा जाता है, बांस वृक्ष को। नेक्स्ट क्वेश्चन जोशीमठ किस नदी के किनारे बसा हुआ, जोशीमठ किस नदी के किनारे बसा हुआ, यह है अलकनंदा के किनारे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है
रूपिन सुपिन हिमनद से किस नदी का उद्गम होता है? टोंस नदी का उद्गम होता है। नेक्स्ट, कुमाऊं में सबसे रमणीक झील कौन सी है? सात ताल, ठीक है। नेक्स्ट, मणिभद्र ताल किस जनपद में है? चमोली में मणिभद्र ताल। नेक्स्ट, भागीरथ की सहायक नदी अशो नदी का उद्गम स्थल है? अशो नदी का उद्गम स्थल है टोटी ताल से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा ग्लेशियर पिथौरागढ़ में नहीं है? तो निम्न में से कौन सा ग्लेशियर पिथौरागढ़ में नहीं है? मिलम, नामिक, रालम, ये तीनों पिथौरागढ़ में, दूनागिरी नहीं है, ठीक है, चमोली में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हीरामणि ग्लेशियर किस जनपद में? हीरामणि ग्लेशियर किस जनपद में है? पिथौरागढ़ में। नेक्स्ट है, कुमाऊं में लिखित साहित्य कब से प्रारंभ हुआ? जो कुमाऊं में लिखित साहित्य है ये कब से प्रारंभ हुआ? 1800 ईस्वी से। नेक्स्ट है, गढ़वाली भाषा की शब्द संपदा पुस्तक के लेखक कौन है? गढ़वाली भाषा की शब्द संपदा के लेखक है रमाकांत बेंजवार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तराखंड में कुली बेगार प्रथा पुस्तक के रचनाकार कौन है? इसके रचनाकार कौन है? तो ये हैं डॉक्टर शेखर पाठक। नेक्स्ट है, जनसारी संगीत के जनक किसे माना जाता है? किसको मानते हैं? नंदलाल भारती को, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गढ़वाली बोली की प्रथम रचना कौन सी है? जो गढ़वाली बोली की प्रथम रचना कौन सी है, यह है गोरखवाणी। नेक्स्ट है, विवेकानंद पर्वतीय कृषि अनुसंधान संस्थान की स्थापना हुई 1924 को। नेक्स्ट है, हिमालयन चैम्बर्स ऑफ एंड इंडस्ट्रीज स्थित है? हिमालय चैम्बर्स ऑफ एंड इंडस्ट्रीज स्थित है कहाँ? नैनीताल में। नेक्स्ट है, महात्मा गांधी शताब्दी नेत्र विज्ञान केंद्र है, यह है देहरादून में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नैनीताल पर्वतारोहण क्लब किस जनपद में है? जो नैनीताल पर्वतारोहण क्लब है ये किस जनपद में है? नैनीताल में। नेक्स्ट है, उत्तराखंड में पुलिस प्रशिक्षण अकादमी है नरेंद्र नगर। नेक्स्ट, टमटा सुधार सभा का गठन किसने किया था? ये किया था मुंशी हरिप्रसाद टमटा ने, ठीक है। नेक्स्ट है, पद्मश्री सम्मानित डॉक्टर अनिल प्रकाश को ने हेस्को संस्था की स्थापना कब की? इन्होंने हेस्को की स्थापना की 1979 को, 1979 में, ठीक है। नेक्स्ट है, अल्मोड़ा अखबार कब से बंद हुआ? जो अल्मोड़ा अखबार कब से बंद हुआ? 1918 से। नेक्स्ट है, कुमाऊं का धृतराष्ट्र किसे कहा जाता है? ये शक्ति गुसाई को कहते हैं। नेक्स्ट, गढ़वाल का एक छत्र सम्राट किस कुमार शासक को कहा जाता है? अजयपाल को। नेक्स्ट है, बुलाक आभूषण पहना जाता है नाक में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केदार जू कहते हैं किसको? थल केदार को। भटपुड़ी देवी मंदिर किस जनपद में स्थित है? यह पौड़ी में। नेक्स्ट है, विज्ञान धाम स्थित है, विज्ञान धाम कहाँ है? देहरादून में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजा अजयपाल ने सरोला सभा की स्थापना कब की? तो ये की थी 1504 में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिमालय नक्षत्र वैशाला देवप्रिया की स्थापना कब हुई? जो हिमालय नक्षत्र वैशाला इसकी स्थापना हुई 1946 में। नेक्स्ट है, झांवर पहना जाता है, जो झांवर है ये पहना जाता है कहाँ? पैर में पहना जाता है झांवर, ठीक है। नेक्स्ट है, बुढ़िया ताल नृत्य किस जनजाति से संबंधित? जो बुढ़िया ताल नृत्य है ये जौनसारी से संबंधित है। नेक्स्ट है, गोरखों ने सर्वप्रथम गढ़वाल पर आक्रमण कब किया? 1791 में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोटेश्वर गुफा किस जनपद में है? यह रुद्रप्रयाग में, कोटेश्वर गुफा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पांडव गुफा किस जनपद में स्थित है? जो पांडव गुफा है ये किस जनपद में है? तो पौड़ी में स्थित है। नेक्स्ट है, भारत खंड हिंदुस्तानी संगीत के महाविद्यालय किन किन जनपदों में है? ये है देहरादून, अल्मोड़ा और पौड़ी, तीनों जनपदों में है भारत खंड हिंदुस्तानी संगीत महाविद्यालय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गढ़वाली बोली की प्रथम रचना कौन सी है? गोरखवाणी, ठीक है। नेक्स्ट है, उत्तराखंड राज्य चिन्ह में गंगा की कितनी लहरों को दर्शाएगा? ये चार लहरें हैं जो दर्शाई गई हैं उत्तराखंड राज्य चिन्ह में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तराखंड राज्य वृक्ष बुरांस का वैज्ञानिक नाम क्या है? यह है रोडोडेंड्रॉन अर्बोरियम, ठीक है। नेक्स्ट है, स्कंद पुराण में कितने हिमालय खंडों का उल्लेख किया गया है? ये किया गया 5 हिमालयी खंडों का। नेक्स्ट है, उत्तराखंड के प्रथम व्यक्ति जिसने शोध कार्य हिंदी भाषा में लिखा, यह है मुरली मनोहर जोशी। नेक्स्ट है, उत्तराखंड में प्रथम राज्य उपभोक्ता आयोग के अध्यक्ष कौन थे? ये कौन थे? केडी शाह। उत्तराखंड में के प्रथम राज्य उपभोक्ता आयोग के अध्यक्ष थे केडी शाह, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अलकापुरी नाम किस जनपद का? जो अलकापुरी नाम है किस जनपद का है? यह है चमोली का। नेक्स्ट है, कुमाऊं के कितने जनपद गढ़वाल को स्पर्श नहीं करते हैं? 2 जनपद स्पर्श नहीं करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ विजुअल हैंडीकैप संस्थान किस जिले में स्थित है? जो NIVH है किस जनपद में स्थित है? यह है देहरादून में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एशिया एवं भारत का प्रथम उद्यान कौन सा है? जिम कॉर्बेट उद्यान। नेक्स्ट है, भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक किस जनपद में? जो भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक है यह देहरादून जनपद में स्थित है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गढ़वाल पुस्तक के लेखक कौन है? इसके लेखक हैं चंद्रपाल सिंह रावत। नेक्स्ट, हिमालयन फोकलोर पुस्तक के लेखक कौन है? तारादत्त गैरोला। नेक्स्ट, अनिरुद्ध आश्रम स्थित है गुप्त काशी में, अनिरुद्ध आश्रम। कोट बंगला किस जनपद में स्थित है? जो कोट बंगला है ये किस जनपद में है? यह उत्तरकाशी में कोट बंगला। नेक्स्ट है, गोरखत शासकों के समय पुंगाड़ी था, पुंगाड़ी क्या था? एक भूमिकर था। नेक्स्ट है, हाड़ी प्रपात किस जनपद में है? यह है देहरादून में हाड़ी प्रपात। नेक्स्ट, स्कंद पुराण में किस नदी को श्यामा नदी कहा गया? तो श्यामा कहा गया है काली नदी को। नेक्स्ट है, उत्तराखंड में बांज वृक्ष की प्रजातियां पाई जाती है, कितनी प्रजातियां पाई जाती है उत्तराखंड में बांज वृक्ष की? 5 प्रजातियां पाई जाती हैं। नेक्स्ट है, नंदूर वन्यजीव विहार की स्थापना कब हुई थी? इसकी हुई थी 2012 को। नेक्स्ट है, उत्तराखंड का पामीर दूधातौली किन जनपदों में है? यह पौड़ी, चमोली और अल्मोड़ा, तीनों जनपदों में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तराखंड राज्य के प्रतीक चिन्ह पुस्तक के लेखक कौन है? ये प्रतीक चिन्ह पुस्तक के लेखक हैं जगमोहन रौतेला। नेक्स्ट है, राज्य योजना आयोग का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? ये होता है मुख्यमंत्री, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य वित्त आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? आर के दर। नेक्स्ट है, उत्तराखंड ग्रामीण बैंक का गठन पूर्व में कितने बैंकों का विलय करके किया गया था? ये किया गया था 4 बैंकों का विलय करके किया गया था उत्तराखंड बैंक का, ठीक है।
नेक्स्ट है उत्तराखंड संस्कृति साहित्य एवं कला परिषद किस जनपद में स्थित है, ये किस जनपद में स्थित है, देहरादून में, ठीक है। नेक्स्ट है हिमालय पुरातत्व एवं निर्वंशीय संग्रहालय स्थित है, ये स्थित है श्रीनगर में। नेक्स्ट है यमुना नदी की सबसे प्रमुख सहायक नदी कौन सी है, यह है टोंस नदी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गौरी गंगा का उद्गम स्थल निम्न में से कौन सा हिमनद है, जो गौरी गंगा का उद्गम स्थल है वो कहाँ होता है, नीलम हिमनद से, ठीक है। नेक्स्ट है सुकुंडा ताल की जनपद में, सुकुंडा ताल बागेश्वर में है सुकुंडा ताल। नेक्स्ट है लामा ताल की जनपद में है, उत्तरकाशी में है लामा ताल। सुखराम ग्लेशियर की जनपद में है, सुखराम ग्लेशियर बागेश्वर में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पिनौरा ग्लेशियर किस जनपद में स्थित है, यह है पिथौरागढ़ में। नेक्स्ट है कुमाऊं क्षेत्र में हुड़ की बोलगीत किस समय गाया जाता है, हुड़ की बोलगीत कब गाया जाता है, खरीफ के समय। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस गीत में अधिक वर्षा एवं प्रिय मिलन की आस रहती है, चौमासा गीत में। नेक्स्ट है निम्न में से युद्ध गीत नृत्य है, ये सरों गीत युद्ध गीत नृत्य है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गढ़वाल क्षेत्र में बसंत ऋतु में चांदनी रात में स्त्री पुरुषों द्वारा या पुरुषों द्वारा गाया जाने वाला श्रृंगारिक गीत कौन सा है, यह है चांचरी गीत, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कुमाऊं क्षेत्र का कौन सा नृत्य गढ़वाल क्षेत्र का सरों पौना नृत्य के समान है, यह है छोलिया नृत्य, ठीक है, छोलिया नृत्य उसके समान है। नेक्स्ट है हुड़का और नगाड़ा किस नृत्य के प्रमुख वाद्य यंत्र हैं, हुड़का और नगाड़ा भगनौल नृत्य के प्रमुख वाद्य यंत्र हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कुमाऊं क्षेत्र में स्त्री पुरुषों का श्रृंगारिक नृत्य कौन सा है, जो स्त्री पुरुष का श्रृंगारिक नृत्य है वो है छोलिया नृत्य, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है उत्तराखंड में बिनाई क्या है, ये एक धातु वाद्य यंत्र है बिनाई। जनसा क्षेत्र की एकमात्र डॉक्यूमेंट्री कौन सी है, चालदा यात्रा। नेक्स्ट है उत्तराखंड के किस त्यौहार में जौ के पत्तों की पूजा करके मंदिर में चढ़ाए जाते हैं, तो किस त्यौहार में चढ़ाए जाते हैं, यह पंचमी के समय, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है क्षेत्र पंचायत में निर्वाचित सदस्यों की संख्या अधिकतम कितनी होती है, तो 40 होती है अधिकतम क्षेत्र पंचायत में निर्वाचित सदस्यों की अधिकतम संख्या। क्षेत्र पंचायत में निर्वाचित सदस्यों की न्यूनतम संख्या कितनी होनी चाहिए, तो ये 20 होनी चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किमनी गांव से प्राप्त शैलचित्र को किस रंग से रंगा गया है, तो कौन से रंग से रंगे गए हैं, ये सफेद रंग से। हुड़ली गुफा उत्तरकाशी के शैलचित्रों में किस रंग का प्रयोग हुआ है, यह हुआ नीले रंग का। नेक्स्ट है आंख मिचौली किस चित्रकार का रंगीन चित्र है, माणकू के रंगीन चित्र हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस शैल चित्र में मानव को शिकार करते हाथों में हाथ डालकर दिखाया गया है, लोथाप चित्रों में, ठीक है। उत्तराखंड में नृत्यधारी शिव मूर्तियों किन मंदिर में, जो उत्तराखंड में नृत्यधारी शिव की मूर्तियां किन किन मंदिरों में है, यह नटराज मंदिर जागेश्वर में और गोपेश्वर मंदिर में, उपरोक्त दोनों में। नेक्स्ट क्वेश्चन है राज्य में दीपावली के अवसर पर गन्ने व नारियल से किस देवी की मूर्तियां बनाई जाती हैं, यह बनाई जाती है लक्ष्मी की मूर्तियां बनाई जाती हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गढ़वाल क्षेत्र में कौन से गीत वेदना और प्रेम के प्रतीक हैं, झुमेला गीत वेदना और उसके प्रतीक हैं, ठीक है। नेक्स्ट है वृद्ध भेड़ चार वाहन द्वारा युवा को सीख देने हेतु कौन से गीत गाए जाते हैं, चुरा गीत गाए जाते हैं, ठुलल गीत गाए जाते हैं कुमाऊं में, लोसर मेला लगता है उत्तरकाशी डुंडा में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है थमारी कुंड किस जनपद में स्थित है, जो थमारी कुंड है ये किस जनपद में स्थित है, पिथौरागढ़ में। नेक्स्ट है राज्य में शालीन शाह का संबंध है, जो शालीन शाह फिल्म निर्देशिका है। नेक्स्ट है खेड़ाताल स्थित है उत्तरकाशी में, लंकापुल एवं भैरव घाटी किस जनपद में स्थित है, ये स्थित है उत्तरकाशी में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंस मर्दनी मंदिर किस जनपद में, जो कंस मर्दनी मंदिर है ये किस जनपद में है, यह है पौड़ी श्रीनगर में है कंस मर्दनी मंदिर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गढ़वाल यूनियन की स्थापना कब की गई थी, जो गढ़वाल यूनियन उसकी स्थापना 1901 में की गई थी। कमिश्नर ट्रेल ने खच्चर सेना की स्थापना कब की, जो कमिश्नर ट्रेल है इसने खच्चर सेना की स्थापना कब की थी, 1822 में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1856 में देवीधुरा में पुरापाषाणिक सभागार किसने खोजे थे, जो पुरापाषाणिक सभागार थे 1856 में किसने खोजे थे, हेनवुड महोदय ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है विवेकानंद जी ने मायावती आश्रम में किस पत्रिका का प्रकाशन शुरू किया था, किस पत्रिका का प्रकाशन शुरू किया था, प्रबुद्ध भारत का, ठीक है। नेक्स्ट है गढ़वाल शब्द किस वंश की देन है, जो गढ़वाल शब्द है किस वंश की देन है, यह है परमारों की। नेक्स्ट है रविंद्र रौतेला का संबंध है एथलेटिक्स से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंडे कांडे किस जनजाति के नृत्य हैं, जो अंडे कांडे जनसारी के नृत्य हैं। नेक्स्ट है खुमरी समिति के मुखिया को क्या कहा जाता है, जो खुमरी समिति का मुखिया होता है उसको ग्राम सयाना कहा जाता है। नेक्स्ट है हुड़का किस जनजाति का मुख्य वाद्य यंत्र है, यह है भोटिया का। नेक्स्ट है राज्य में नवीकरणीय ऊर्जा नीति की घोषणा कब की थी, जो नवीकरणीय ऊर्जा नीति की घोषणा 2008 को की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है चैती किस जनजाति का प्रमुख त्यौहार है, जो चैती है किस जनजाति का प्रमुख त्यौहार है, यह है बोक्सों का। नेक्स्ट है कास्ट शिल्प में निपुण जनजाति कौन सी है, तो राजी जनजाति निपुण है इस कास्ट शिल्प में। नेक्स्ट है तिमली लोकगीत किस जनजाति का, जो तिमली लोकगीत है ये किस जनजाति का है, यह है भोटियों का है तिमली लोकगीत। नेक्स्ट है भोटिया जनजाति का ग्रीष्मकालीन आवास कहलाता है, जो भोटिया का ग्रीष्मकालीन आवास है उसको मैथ कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हरिद्वार को लक्सर जंक्शन से कब जोड़ा गया, जो हरिद्वार है उसको लक्सर जंक्शन से कब जोड़ा गया था, 1896 को, ठीक है। नेक्स्ट है जौनसार क्षेत्र को आधुनिक कवि, जौनसार क्षेत्र के आधुनिक कवि कौन है, यह रतन सिंह जौनसारी, जो जौनसार क्षेत्र के आधुनिक कवि हैं रतन सिंह जौनसारी। नेक्स्ट है जौनसार क्षेत्र में राजनीतिक जनजागरूकता के जनक किसे माना जाता है गुलाब सिंह को। गोरा अठावली किस जनजाति के त्यौहार है, जो गोरा अठावली है ये किस जनजाति के त्यौहार है, यह राजी जनजाति के। नेक्स्ट क्वेश्चन है संस्कृत साहित्य के किस विद्वान को पीएचडी किए बिना डीलिट के मानद उपाधि से सम्मानित किया गया था, ये थे शशिधर शर्मा, जिनको डीलिट की उपाधि से सम्मानित किया गया था।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, जय किस जनजाति का प्रिय पेय पदार्थ है? जो जय है किस जनजाति का प्रिय पदार्थ है, यह है भोटियों का। नेक्स्ट है, जागरा त्यौहार किस देवता से संबंधित है? महाशिव देवता से। किस जनजाति के लोग विजयदशमी को पाइंता कहते हैं? किस जनजाति के कहते हैं? जौनसारी के लोग कहते हैं। नेक्स्ट है, हनुमल किस जनजाति का प्रसिद्ध तीर्थस्थल है? यह जौनसारियों का, जौनसारी जनजाति का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नुनाई त्यौहार किस जनजाति द्वारा मनाया जाता है? यह मनाया जाता है जौनसारी द्वारा, जौनसारी जनजाति द्वारा। नेक्स्ट है, पंचबद्री में से कौन सा बद्री शुभेन नामक स्थान पर है? यहाँ है भविष्य बद्री। ठीक है, नेक्स्ट है, पंच केदार में किसकी पूजा शीतकाल में गोपेश्वर में होती है? रुद्रनाथ की पूजा होती है गोपेश्वर में। वसुंधरा प्रपात किस जनपद में है? चमोली में स्थित है वसुंधरा प्रपात। नेक्स्ट है, रावल पुजारियों का निवास स्थान है, जो रावल पुजारी हैं उनका निवास स्थल है उकीमठ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बृणेश्वर मंदिर स्थित है, जो बृणेश्वर मंदिर अल्मोड़ा में स्थित है। नेक्स्ट है, जागेश्वर मंदिर समूह के सभी मंदिर किस शैली से निर्मित है? यह है केदारनाथ शैली से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फलोद्यान का देश आज कंट्री नाम से जाना जाता है किसको? चौबटिया को। ठीक है, चौबटिया को जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांधी कुटीर निम्न में से कहां स्थित है? जो गांधी कुटीर है कहां स्थित है? यह ताड़ीखेत में। नेक्स्ट है, पवित्र तीर्थ स्थल तालेश्वर किस जनपद में स्थित है? जो तालेश्वर है यह किस जनपद में स्थित है? यह पिथौरागढ़ में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसिद्ध पांडु स्थल किस जनपद में स्थित है? जो पांडु स्थल है यह बागेश्वर में, और पांडुकेश्वर कहां? चमोली में स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिल्पकला की दृष्टि से चंपावत जिले का सर्वोत्कृष्ट मंदिर है कौन सा? बालेश्वर का मंदिर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूर्णागिरी शक्तिपीठ किस जनपद में स्थित है? जो पूर्णागिरी शक्तिपीठ है चंपावत में स्थित है। सुदर्शन दर्शन ग्रंथ के लेखक कौन है? यह मौलाराम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वामी विचारानंद ने देहरादून में अभय नामक साप्ताहिक राष्ट्रीय पत्रिका का प्रकाशन का प्रारंभ किया था? यह 1922 में प्रारंभ किया, कौन से अभय नामक राष्ट्रीय साप्ताहिक पत्रिका का। नेक्स्ट है, अल्मोड़ा में घर घर में देवता के रूप में पूजा जाने वाला चंद्रवंशी राजकुमार कौन है? कौन था? गंगनाथ था। ठीक है, नेक्स्ट है, मतिराम एवं रत्न कवि किस पवार शासक के राजदरबारी थे? फतेह शाह के राजदरबारी थे ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोरखा शासकों के समय दुधारू पशुओं के मालिकों से लिया जाने वाला कर कौन सा था? घी कर था ये। ठीक है, कुमाऊं परिषद का प्रथम अधिवेशन कब हुआ? 1917 में। नेक्स्ट है, अल्मोड़ा अखबार के होली अंक सन 1918 में बीडी पांडे ने एक गजल लिखकर किस कमिश्नर पर कुठाराघात किया था? कमिश्नर लोमस पर यह कुठाराघात किए थे बद्रीदत्त पांडे ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देशभक्त प्रेस की स्थापना किसने की थी? जो देशभक्त प्रेस है इसकी स्थापना किसने की थी? बद्रीदत्त पांडे ने की थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुमाऊं परिषद का चौथा अधिवेशन काशीपुर में कब हुआ था? यह हुआ था 21 से 23 दिसंबर 1920 को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, दलितों को शिल्प का नाम दिलाने में योगदान देने वाला व्यक्ति कौन था? मुंशी हरिप्रसाद टमटा। नेक्स्ट, गदीज ऑफ हिमालय के रचनाकार कौन है? डॉक्टर श्याम सिंह है, गदीज ऑफ हिमालय के रचनाकार डॉक्टर श्याम सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1985 में संस्कृत में योगदान हेतु किस व्यक्ति को सर्टिफिकेट ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया था? डॉक्टर शशिधर शर्मा को। नेक्स्ट है, गढ़वाल में हिंदी पत्रकारिता का भीष्म पितामह किसे कहा जाता है? विशंबरदत्त चंदोला को। नेक्स्ट है, हरिप्रसाद टमटा शिल्पकार सभा का गठन कब किया गया था? 1905 में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, डालियों का दुगड्डा नामक संस्था का गठन किसने किया था? यह किया था चंद्र प्रसाद भट्ट ने। नेक्स्ट है, चिपको आंदोलन को विश्व स्तर पर किस व्यक्ति ने विस्तृत किया था? किस व्यक्ति ने विस्तृत किया था इसको? सुंदरलाल बहुगुणा ने। नेक्स्ट है, उत्तराखंड एक्सप्रेस उपनाम से जाना जाता है, जो उत्तराखंड एक्सप्रेस है इसके उपनाम से किसे जाना जाता है? सुरेंद्र सिंह भंडारी को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनमत पंथ किसने चलाया था? जो मनमत पंथ था किसने चलाया था? मौलाराम ने। उत्तराखंड की प्रथम महिला सैन्य अधिकारी कौन थी? ये थी कैप्टन भावना गुरनानी। गढ़वाल की प्रथम महिला लेखिका कौन थी? गढ़वाल की प्रथम महिला लेखिका कौन थी? ये थी विद्यावती डोवाल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, आदित्य नारायण पुरोहित किससे संबंधित हैं? जो आदित्य नारायण पुरोहित हैं ये कृषि वैज्ञानिक हैं। ठीक है, शीतलाखेत नामक स्थान किस जनपद में है? अल्मोड़ा में है शीतलाखेत। नेक्स्ट है, तड़ागताल किस जनपद में स्थित है? अल्मोड़ा में है तड़ागताल। ठीक है, नेक्स्ट है, पर्वतेश्वर मंदिर किस जनपद में स्थित है? पर्वतेश्वर मंदिर अल्मोड़ा जनपद में स्थित है, पर्वतेश्वर मंदिर। नेक्स्ट है, अल्मोड़ा जनपद का गठन कब किया गया था? यह किया गया था 1891 में अल्मोड़ा जनपद का गठन। नेक्स्ट है, चाइना पीक किस जनपद में है? नैनीताल में। तिमली पास किस जनपद में है? देहरादून में। दसौली विकासखंड किस जनपद में स्थित है? चमोली में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गढ़वाल में छोटे बालकों द्वारा किया जाने वाला नृत्य कौन सा है? जो छोटे बालकों द्वारा किया जाने वाला नृत्य है वह घुघुती नृत्य है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, रणभूत मेला किस जनपद में लगता है? ये लगता है टिहरी में। ठीक है, नेक्स्ट है, बागनाथ मेला किस जनपद में लगता है? बागेश्वर में लगता है बागनाथ मेला। वेदनी कुंड व ऋषिकुंड किस जनपद में है? यह है चमोली में वेदनी कुंड व ऋषिकुंड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेलहम वाइज स्कूल किस जनपद में है? जो वेलहम वाइज स्कूल है यह है देहरादून में। नेक्स्ट है, राज्य का प्रथम समाचार पत्र किस भाषा में निकला था? अंग्रेजी भाषा में निकला था प्रथम समाचार पत्र। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य का प्रथम हिंदी समाचार पत्र था? जो राज्य का प्रथम हिंदी समाचार पत्र था वो कौन सा था? गढ़वाल समाचार पत्र। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रिटिश काल का प्रथम भूमि बंदोबस्त कब हुआ? ब्रिटिश काल का प्रथम भूमि बंदोबस्त 1815-16 में। नेक्स्ट है, प्रथम बार वैज्ञानिक पद्धति से किस भूमि बंदोबस्त को लागू किया गया था? विकेट बंदोबस्त को लागू किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट है, ब्रिटिश शासनकाल का अंतिम भूमि बंदोबस्त 1928 को किसके नेतृत्व में प्रारंभ संपन्न हुआ? एवर्सन के नेतृत्व में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीरेनियम का वानस्पतिक नाम क्या था? इसका वानस्पतिक नाम है पेलरगोनियम ग्रेवियोलेंस। ठीक है, नेक्स्ट है, उत्तराखंड में निशुल्क बोरिंग योजना कब से शुरू हुई? जो निशुल्क बोरिंग योजना है यह कब से शुरू हुई? यह 1985 से। ठीक है, नेक्स्ट है, कुमाऊं मंडल विकास निगम किस जनपद में स्थित है? नैनीताल में। ठीक है, नेक्स्ट है, कुमाऊं क्षेत्र में सर्वप्रथम बेलाडोना की खेती कब की गई थी? जो बेलाडोना खेती 1903 में की गई थी सर्वप्रथम। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुलागढ़ किस जनपद में स्थित है? जो कुलागढ़ है यह किस जनपद में स्थित है? यह देहरादून में। नेक्स्ट है, वन अनुसंधान संस्थान देहरादून में प्लेटिनम जुबली किस वर्ष मनाई गई? यह मनाई गई 2006 को प्लेटिनम जुबली, ठीक है। नेक्स्ट है, देहरादून कुलागढ़ में वन अनुसंधान शाला की स्थापना हुई थी? यह स्थापना हुई थी 1929 में। आसन संरक्षण आरक्षित की स्थापना कब की गई थी? 2005 में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गढ़वाल कुमाऊं गढ़वाल में प्रचलित एगास क्या है? जो प्रचलित एगास है यह क्या है? यह एक पशु उत्सव है जो प्रचलित एगास शब्द है। नेक्स्ट है, राज्य की किस नदी को स्वर्ग गंगा कहा जाता है? किस नदी को स्वर्ग गंगा कहा जाता है? ऋषि गंगा को। नेक्स्ट है, तराई रुद्रपुर का इतिहास और विकास किसकी रचना है? यह है प्रेम स्वरूप सकलानी की रचना है तराई रुद्रपुर का इतिहास। नेक्स्ट है, पंवार शासनकाल में मुख्य भूमि इकाई क्या थी? जो पंवार शासनकाल में मुख्य भूमि इकाई क्या थी? नाली थी। नेक्स्ट है, राज्य का सर्वाधिक लोकप्रिय साहसिक खेल कौन सा है? जो राज्य का सर्वाधिक लोकप्रिय साहसिक खेल कौन सा है यह है स्कीइंग, ठीक है। नेक्स्ट है, आदिबद्र में कितने मंदिर समूह हैं? आदिबद्र में 16 मंदिर समूह हैं। आदिबद्र में कितने मंदिर समूह हैं? 16, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुमाऊं गजेटियर में किस जनपद को वाक ईश्वर कहा गया है? जो वाक ईश्वर है किस जनपद को कहा गया? यह कहा गया बागेश्वर को, ठीक है। नेक्स्ट है, किस पुराण में वैली ऑफ फ्लावर्स को नंदकानन कहा गया? तो वैली ऑफ फ्लावर्स को नंदकानन कहा गया है स्कंद पुराण में। नेक्स्ट है, कुमाऊं परिषद के किस अधिवेशन में अशोक प्रस्ताव लाया गया? किस अधिवेशन में लाया गया? चौथे अधिवेशन में। नेक्स्ट है, डुंगरी पंतोली वन आंदोलन संबंधित जिला कौन सा है? चमोली, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तरांचल आंदोलन संचालन समिति द्वारा संविधान बचाओ यात्रा कब निकाली गई थी? यह निकाली गई थी 25 जनवरी 1995 को। नेक्स्ट है, महेंद्र चंद व गोरखाओं के मध्य किस स्थान पर युद्ध हुआ था? किस स्थान पर युद्ध हुआ था? हवालबाग में, ठीक है। जोशीमठ से रणचूला कोट राजधानी स्थानांतरित करने वाला शासक कौन सा था? अशांति देव था, ठीक है। नेक्स्ट है, ब्यास घाट किस जनपद में स्थित है? जो ब्यास घाट है यह किस जनपद में है? चमोली में। नेक्स्ट है, फॉलिंड कॉर्ड ग्लेशियर किस जनपद में? फॉलिंड कॉर्ड ग्लेशियर है पिथौरागढ़ में, ठीक है। नेक्स्ट है, कत्यूर घाटी किस जनपद में स्थित है? जो कत्यूर घाटी है यह किस जनपद में स्थित है? यह बागेश्वर में। नेक्स्ट क्वेश्चन, बलना किस जनपद का पुराना नाम है? बलना बागेश्वर का पुराना नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसिद्ध कौसानी किन दो नदियों के संगम पर स्थित है? जो कौसानी है किन दो नदियों के संगम पर स्थित है? कौशी और गरुड़ गंगा के संगम पर। चंपावत जनपद का गठन कब किया गया था? 15 सितंबर 1997 को चंपावत का गठन किया गया था। कुमो किस जनपद का प्राचीन नाम है? चंपावत का प्राचीन नाम है कुमो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य की किस गुफा में 33 करोड़ देवी देवता निवास करते हैं? किस गुफा में 33 करोड़ देवी देवता निवास करते हैं? पाताल भुवनेश्वर गुफा में। नेक्स्ट है, जयंती मंदिर किस जनपद में है? यह है पिथौरागढ़ में। नेक्स्ट है, टाटानौला नामक स्थान किस जनपद में है? पिथौरागढ़ में है टाटानौला नामक स्थान, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कालीगंगा व कटिपानीगढ़ संगम होता है? जो कालीगंगा कटिपानीगढ़ है इसका संगम होता है तालेश्वर में। मानसखंड में सरयू को कहा गया है गंगा, और भगवान राम ने शिव भगवान की 1000 कमल के फूलों की उपासना किस मंदिर में की थी? तो ये की थी कमलेश्वर मंदिर में की थी भगवान राम ने, ठीक है। नेक्स्ट है, जवाहरलाल नेहरू जी प्रथम बार दुगट्टा कब आए थे? 1930 को प्रथम बार दुगट्टा आए थे जवाहरलाल जी नेहरू। राजराजेश्वरी देवी का प्राचीन मंदिर स्थित है? जो राजराजेश्वरी का प्राचीन मंदिर स्थित है श्रीनगर में। नेक्स्ट है, आलमसरिया कांटा किस जनपद में स्थित है? नैनीताल में स्थित है आलमसरिया कांटा। चाइना पीक किस जनपद में स्थित है? नैनीताल में। लड़िया कांटा नामक पहाड़ी किस जनपद में स्थित है? नैनीताल में स्थित है लड़िया कांटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस प्राचीन मंदिर की दीवारों पर चार नागवंशीय राजाओं के मुख उत्कीर्ण हैं? यह गोपेश्वर शिव मंदिर में। पंच केदारों में कितने केदार रुद्रप्रयाग जनपद में स्थित हैं? तो रुद्रप्रयाग जनपद में कितने केदार स्थित हैं? 3 केदार स्थित हैं रुद्रप्रयाग जनपद में, ठीक है। रुद्रप्रयाग जनपद कब बनाया गया? जो रुद्रप्रयाग जनपद है यह कब बनाया गया था? 18 सितंबर 1997 को रुद्रप्रयाग का स्थापना हुई। नेक्स्ट है, केदारनाथ समिति का मुख्यालय और रावल पुजारियों का निवास स्थल कहाँ स्थित है? यह उखीमठ में। नेक्स्ट है, भगवान शिव की नाभि की पूजा किस केदार में होती है? यह होती है मधमेश्वर नाथ में। नेक्स्ट है, भगवान शिव के हाथ की पूजा किस केदार में होती है? शिव की जो हाथ की पूजा है यह होती है तुंगनाथ में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कमिश्नर रेमजे ने रामनगर को कब बसाया था? रेमजे ने रामनगर को बसाया था 1850 में। नेक्स्ट है, 1915 में किस वीर सैनिक को विक्टोरिया क्रॉस दिया गया था? किसको दिया गया था? यह दिया था गब्बर सिंह नेगी को। नेक्स्ट है, कॉमनवेल्थ खेल में प्रथम पदक प्राप्तकर्ता कौन थे? ये थे हरि सिंह, प्रथम पदक प्राप्त करता थे, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जागेश्वर मंदिर समूह में सबसे प्राचीन मंदिर कौन सा है? जो जागेश्वर मंदिर समूह में सबसे प्राचीन मंदिर है महामृत्युंजय मंदिर, ठीक है। हेरा खान मंदिर स्थित है रानीखेत में। पिथौरागढ़ जनपद की स्थापना कब हुई थी? 24 फरवरी 1960 को। चंडाक मंदिर किस जनपद में स्थित है? चंडाक मंदिर पिथौरागढ़ में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राचीन नैना देवी मंदिर का निर्माण किसने कराया था? श्री मोतीराम शाह ने कराया था, ठीक है। घोड़ाखाल नामक स्थान के जनपद में है, यह नैनीताल में है। उत्तराखंड का सबसे बड़ा व्यापारिक नगर है हल्द्वानी। नेक्स्ट है, गणनाथ मेला किस जनपद में लगता है? अल्मोड़ा में लगता है गणनाथ मेला। नेक्स्ट है, अल्मोड़ा नगर पालिका का गठन कब हुआ था? 1864 को अल्मोड़ा नगर पालिका का गठन हुआ था। नेक्स्ट है, मोहन जोशी पार्क किस जनपद में है? यह अल्मोड़ा में है। कत्यूरी राजाओं का प्रमुख स्थल कौन सा था? बागेश्वर था। नेक्स्ट है, किस ताल का पानी लाल है? वो बासुकी ताल का पानी लाल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोनगंगा और मंदाकिनी नदी का संगम किस स्थान पर होता है? सोनप्रयाग में। अर्जुन देव मंदिर किस जनपद में स्थित है? पिथौरागढ़ में स्थित है अर्जुन देव मंदिर। नेक्स्ट है, घूमने वाला किस देवता का नाम है? घूमने वाला महाशु का नाम है। कुमाऊं राष्ट्रीय मोर्चा की स्थापना कब हुई थी? जो कुमाऊं राष्ट्रीय मोर्चा है इसकी स्थापना हुई थी 1970 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
पिथौरागढ़ को किसने बसाया था, जो पिथौरागढ़ इसको किसने बसाया, राजा पिथौरासाही ने। नेक्स्ट है, किसने चंद शासनकाल की तुलना पंचायती राज की तुल्य माना, किसने माना पंचायती राज, बद्रीदत्त पांडे ने, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भोटिया जनजाति में वर्षा के देवता को क्या कहा जाता है, जो भोटिया जनजाति में वर्षा के देवता को कहा जाता है घुरमा, वर्षा का देवता इनका घुरमा। नंदूर वन्यजीव विहार किसके लिए आरक्षित है, जो नंदूर वन्यजीव विहार है किसके लिए आरक्षित है, बाघ और महाशीर के लिए, उपरोक्त दोनों के लिए आरक्षित है, ठीक है। नेक्स्ट है, जंसवर ग्लेशियर किस जनपद में स्थित है, जो जंसवर ग्लेशियर है ये उत्तरकाशी में स्थित है, जंसवर ग्लेशियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मसूरी में स्थापित सबसे पुराना बाजार कौन सा है, जो मसूरी में स्थापित है सबसे पुराना बाजार है लंठोर बाजार। नेक्स्ट है, राज्य में डूबा हुआ शिवलिंग कहां स्थित है, गंगोत्री में। राज्य में भूकंप जन जागरूकता पर बनाई गई फिल्म कौन सी है, यह है डांडी कांटी की, राज्य में जो बनाई गई फिल्म है वह है डांडी कांटी की गोदमा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य के किस जनजाति में मौन विक्रय प्रणाली प्रचलित है, भूटानते कौन सी जनजाति में प्रचलित है, मौन विक्रय प्रणाली भूटानतिक जनजाति में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य में किस स्थान को सिक्कों का कैलाश कहा जाता है, किस स्थान को सिक्कों का कैलाश कहा जाता है, हेमकुंड को। रुक्मणी हरण के 13 चित्र किसने बनाए थे, जो रुक्मणी हरण के 13 चित्र किसने बनाए थे, चैतू ने। क्रीड़ा पथ उत्तरांचल किसकी रचना है, राजेश मोहन उप्रेत की रचना क्रीड़ा पथ उत्तरांचल। उमंग आयाम या व युग मंच कला संस्थान स्थित है, उमंग आयाम व युग मंच कला संस्थान स्थित है, कहाँ स्थित है, ये नैनीताल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, घोड़ाखाल नामक स्थान किस जनपद में है, नैनीताल में। चिन्याली सौर किस जनपद में है, उत्तरकाशी में। उमा नारायण मंदिर किस जनपद में है, रुद्रप्रयाग में स्थित है उमा नारायण मंदिर। किसके सतत प्रयासों से रमाण नृत्य को विश्व धरोहर किया गया, किसके सतत प्रयासों से किया गया रमाण नृत्य को विश्व धरोहर, डॉक्टर कुशल सिंह भंडारी के प्रयासों से, कुशल सिंह भंडारी के प्रयासों से। नेक्स्ट है, व्हाइट वाटर वंडर किसका उपनाम है, व्हाइट वाटर वंडर किसका उपनाम है, कोडियाला का। नेक्स्ट है, उत्तराखंड की वैष्णो देवी किसे कहा जाता है, पूर्णागिरी को। नेक्स्ट है, लड़िया कांटा पर्वत श्रेणी किस जनपद में स्थित है, नैनीताल में स्थित है लड़िया कांटा श्रेणी, पर्वत श्रेणी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विक्टोरिया क्रॉस ग्रहण करते समय अंग्रेजों से कर्णप्रयाग तक रेलवे लाइन बनाने की मांग किसने की थी, ये की थी दरबान सिंह नेगी ने। नेक्स्ट है, हरदयाल सिंह हॉकी का संबंध किससे है, यह है हॉकी से। नेक्स्ट है, पूर्व में किस जनजाति में बदला विवाह प्रथा प्रचलित थी, जो बदला विवाह प्रथा थारों में प्रचलित थी, ठीक है। नेक्स्ट है, किस जनजाति में स्त्री और पुरुष मिलकर खिचड़ी नृत्य करते हैं, थारू में करते हैं खिचड़ी नृत्य। नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, चैती नोबी होली दीपावली नवरात्रि किस जनजाति के प्रमुख त्यौहार हैं, तो ये हैं बोक्साओं के प्रमुख त्यौहार। कौन सी जनजाति स्वयं को जनक के वंशज मानती है, जाड़ स्वयं को जनक का वंशज मानती है। किस जनजाति के लोग अपने सगे संबंधियों को स्वरा कहते हैं, भोटिया जनजाति के लोग अपने सगे संबंधियों को स्वरा कहते हैं। रोम्बा किस जनजाति की भाषा है, यह जाड़ की भाषा है रोम्बा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मातंग गुफा किस जनपद में, जो मातंग गुफा है ये किस जनपद में, यह उत्तरकाशी में। पांडुखोली या त्र्यंबक गुफा किस जनपद में है, अल्मोड़ा में। गिरी सरोवर किस जनपद में है, उधम सिंह नगर में। द्रोण घाटी किस जनपद में स्थित है, द्रोण घाटी देहरादून में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तराखंड आंदोलन पर केंद्रित फिल्म कौन सी है, जो उत्तराखंड आंदोलन पर केंद्रित फिल्म है तेरी शौ। लामण किस प्रकार का गीत है, लामण गीत प्रणय गीत है, ठीक है। कतिव घाटी में किस चंद शासक ने बद्रीनाथ मंदिर की स्थापना की थी, ये की थी ज्ञानचंद ने। नेक्स्ट, वस्तु शिरोमणि नामक ग्रंथ के रचनाकार कौन थे, वस्तु शिरोमणि नामक ग्रंथ के रचनाकार कौन थे, ये थे साहित्यकार जो शंकर था, वस्तु शिरोमणि के रचनाकार थे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वाधिक लाइमस्टोन के भंडार किस जनपद, जो सर्वाधिक लाइमस्टोन के भंडार है ये किस जनपद में है, यह देहरादून जनपद में सर्वाधिक लाइमस्टोन के भंडार है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेशनल रिसर्च फॉर वाटर फिशरीज कहाँ स्थित है, यह है भीमताल में। नेक्स्ट है, किस चंद शासक के शासनकाल को गैंडागर्दी के नाम से जाना जाता है, अजीत चंद के शासनकाल को। पर्वतीय क्षेत्रों में मकानों के अग्रभाग को कहा जाता है, जो पर्वतीय क्षेत्रों में मकानों के अग्रभाग को कहा जाता है, क्या कहा जाता है, गुठियार, गुठियार कहा जाता है पर्वतीय क्षेत्रों के मकानों का अग्रभाग गुठियार। दक्ष प्रजापति की राजधानी हरिद्वार कहाँ थी, कनखल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वर्ष दुगड्डा में आर्य समाज स्कूल खोला गया था, कब खोला गया था, 1910 में दुगड्डा में आर्य समाज स्कूल खोला गया था। ऊटी बैंक डकैती कांड से संबंधित व्यक्ति कौन थे, बच्चूलाल भट्ट ऊटी बैंक डकैती कांड से संबंधित व्यक्ति थे। बच्चूलाल भट्ट का संबंध किससे है, बच्चूलाल भट्ट का संबंध क्रांतिकारी से था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, घबला देवता का संबंध किस जनजाति से, जो घबला देवता इसका संबंध भोटिया जनजाति से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्याह सम्मान पाने वाले प्रथम उत्तराखंडी कौन थे, जो ब्याह सम्मान पाने वाले प्रथम उत्तराखंडी थे, रमेश चंद्र शाह। नेक्स्ट है, उत्तराखंड के किस जनपद में सर्वाधिक घराट है, उत्तराखंड के किस जनपद में सर्वाधिक घराट है, चमोली में। नेक्स्ट है, मध्यकालीन उत्तराखंड में तिताला क्या थी, जो तिताला वो क्या थी, एक प्रकार की रोटी थी, मध्यकालीन उत्तराखंड में तिताला एक प्रकार की रोटी थी। नेक्स्ट है, हिमगंगा नदी उद्गम क्षेत्र, जो हिमगंगा नदी है उसका उद्गम क्षेत्र हेमकुंड साहिब। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ताड़ीखेत में गांधी कुटीर की स्थापना कब की गई थी, जो ताड़ीखेत में गांधी कुटीर आश्रम की स्थापना 1929 में की गई थी। नैलांग घाटी किस जनपद में है, ये उत्तरकाशी में है। तीसरा ध्रुव पुस्तक के लेखक कौन है, जो तीसरा ध्रुव पुस्तक है इसके लेखक है राजेंद्र सिंह भंडारी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहाड़ी चित्रकला पुस्तक के लेखक कौन है, जो पहाड़ी चित्रकला पुस्तक है इसके लेखक हैं किशोरीलाल वेद। नेक्स्ट है, राज्य का प्रथम व्यक्ति जो प्रथम बार एवरेस्ट पर चढ़ा, यह था हरिश्चंद्र सिंह रावत, जो कि प्रथम बार एवरेस्ट पर चढ़े, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कॉमन पिकॉक को राज्य की तितली घोषित कब किया गया था, जो कॉमन पिकॉक है उसको राज्य की तितली कब घोषित किया गया था, यह किया गया था 2016 को।
किस स्थान को पूर्व में कबीरपुर कहा जाता था? पूर्व में कबीरपुर किस स्थान को कहा जाता था? कार्तिकेयपुर को। असहयोग आंदोलन के समय कुमाऊं कमिश्नर कौन थे? पर्सि बिंटम कुमाऊं कमिश्नर थे असहयोग आंदोलन के समय। कत्यूरी शासन में उत्तराखंड में किस धर्म का सर्वाधिक प्रभाव हुआ? और ब्राह्मण धर्म का सर्वाधिक प्रभाव हुआ कत्यूरियों के टाइम पीरियड में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन इन कुमाऊं हिमालय के लेखक कौन है? ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन इन कुमाऊं हिमालय के लेखक हैं ए के मित्तल। केंद्र सरकार द्वारा उत्तराखंड को ग्रीन बोनस के अंतर्गत कितना अनुदान दिया जाता है? कितना प्रतिशत का अनुदान दिया जाता है? 2% का। राज्य की कौन सी नदी माहिसीर मछली है? तो प्रसिद्ध है जो माहिसीर मछली के लिए प्रसिद्ध नदी है काली नदी। नेक्स्ट है, कुमाऊं हिल कहाँ है? जो कुमाऊं हिल है ये कहाँ है? ये जम्मू कश्मीर में है, कुमाऊं हिमालय। ठीक है, नेक्स्ट है, स्कंद पुराण में काली नदी को किस नाम से जाना जाता है? स्कंद पुराण में काली नदी को श्यामा नाम से जाना जाता है। गौरी उड़ियार किस जनपद किस देवता को समर्पित है? जो गौरी उड़ियार है किस देवता को समर्पित है? शिव को। इंडो चाइना तिब्बत ट्राइंगल नामक पुस्तक के लेखक कौन है? श्री राम गोपाल, इंडो चाइना तिब्बत ट्राइंगल। ठीक है, भोटिया जनजाति में प्रचलित अर्जी क्या है? जो भोटिया जनजाति में प्रचलित अर्जी है वह समीश व्यंजन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुशील वाद्य यंत्र जोया मुरली को राज्य में किस नाम से जाना जाता है? सुशील वाद्य यंत्र जोया मुरली को राज्य में किस नाम से जाना जाता है? और ये जाना जाता है अलगोजा के नाम से। प्रसिद्ध कंडार देवता किस कंडार देवता मंदिर किस जनपद में है? यह है उत्तरकाशी में कंडार देवता मंदिर। राज्य की कौन सी जनजाति सर्वाधिक नृत्य संगीत प्रेमी है? यह है जौनसारी जनजाति। क्रांतिकारी पंडित ज्योतिराम कांडपाल का निजी पेशा क्या था? ज्योतिराम कांडपाल का निजी पेशा एक शिक्षक था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस पुराण में बद्रिकाश्रम को गंगा तटस्थ शब्द से संबोधित किया गया था? यह किया गया था वामन पुराण में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तराखंड का नेपोलियन किस शासक को कहा जाता है? ये अजयपाल को कहा जाता है। प्रसिद्ध वैद्य रामदत्त पंत का उपनाम क्या था? कविराज। ठीक है, 1954 में हल्द्वानी में माधव औषधालय की स्थापना किसने की? माधव औषधालय की स्थापना की थी माधवानंद लोहानी ने। खस परिवार कानून किसकी रचना है? जो खस परिवार कानून है किसकी रचना है? लीलाधर जोशी की रचना है खस परिवार कानून। नेक्स्ट है, उरेडा की रिपोर्ट के अनुसार घराट विहीन जनपद कौन से हैं? यह है उधम सिंह नगर और हरिद्वार, दोनों घराट विहीन राज्य हैं, जिले हैं सॉरी। गरुड़ मंदिर किस जनपद में स्थित है? यह पौड़ी में गरुड़ मंदिर। कर्णाश्रम किन पर्वतों के मध्य बसा है? जो कर्णाश्रम है ये किन पर्वतों के मध्य बसा है? हेमकुंड और मणिकूट पर्वतों के मध्य। चंद शासकों के समय सौ का व्यापारियों को स्वर्ण धूल रूप में लिया जाने वाला कर कौन सा था? यह था कनक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुणादित्य सूर्य मंदिर किस जनपद में है? अल्मोड़ा में स्थित है गुणादित्य सूर्य मंदिर। मठ का सूर्य मंदिर किस जनपद में है? यह पिथौरागढ़ में है। विकेट बंदोबस्त का समय क्या था? जो विकेट बंदोबस्त था इसका समय क्या था? 1863 से 73 तक। ठीक है, महाराजा नरेंद्र शाह चित्र संग्रहालय किस जनपद में स्थित है? जो महाराजा नरेंद्र शाह चित्र संग्रहालय है यह है स्थित है टिहरी में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, माता देवलाड़ी का मंदिर स्थित है? जो माता देवलाड़ी का मंदिर ये कहाँ स्थित है? ये स्थित है देहरादून में। नेक्स्ट है, किस पवार शासक ने राजगढ़ी को अपनी ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाई थी? तो किसने बनाई थी? ये बनाई थी पृथ्वी शाह ने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, गढ़वाल का विनाशकारी भूकंप किस शासक के समय आया था? जो गढ़वाल का विनाशकारी भूकंप है ये किस शासक के टाइम पीरियड है? प्रद्युम्न शाह के। राजगढ़ी नामक स्थान स्थित है? ये उत्तरकाशी में स्थित है। गांधी जी को उत्तराखंड में चल रही कुली बेगार प्रथा से किस उत्तराखंडी ने अवगत कराया था? किसने अवगत कराया था? बद्रीदत्त पांडे ने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तराखंड राज्य का प्रथम जिला जो खुले में शौच मुक्त बना ये था नैनीताल। ठीक है, नेक्स्ट है, गरुड़ताल स्थित है नैनीताल में, गरुड़ताल नैनीताल में। गोपेश्वर के त्रिशूल लेख पर किस शासक के विजयों का उल्लेख किया गया है? ये किया गया है अशोकचल के विजयों का उल्लेख। ठीक है, राष्ट्रीय इंडियन मिलिट्री कॉलेज के जनपद में है देहरादून में। नेक्स्ट है, एशिया में लकड़ी से निर्मित एकमात्र हॉल स्थित है? लकड़ी से निर्मित एकमात्र हॉल कौन सा है? FIR हॉल देहरादून। बैरिस्टर मुकुंदलाल स्मृति ग्रंथ की रचना किसने की थी? भक्त दर्शन ने की थी बैरिस्टर मुकुंदलाल स्मृति ग्रंथ। उत्तराखंड का प्रथम परिवहन विमान कमांडर महिला कौन सी थी? ये थी क्षमता वाजपेयी थी विमान कमांडर। ठीक है, उत्तराखंड की प्रथम महिला बॉडी बिल्डर कौन थी? ये भूमिका शर्मा थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना कब हुई? जो नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान इसकी स्थापना हुई थी 1982 में। गंगाधर महादेव मंदिर किस जनपद में स्थित है? जो गंगाधर महादेव मंदिर है ये हरिद्वार में स्थित है। हरिद्वार स्थित किस स्थान पर दत्तात्रेय ऋषि ने एक पैर पर खड़े होकर तपस्या की थी? किस स्थान पर की थी? कुशावर्त घाट में। ज्वालाजी मंदिर स्थित है? जो ज्वालाजी मंदिर है ये स्थित है मसूरी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अन्नपूर्णा मंदिर किस जनपद में है? उत्तरकाशी में है। विश्वनाथ मंदिर उत्तरकाशी का जीर्णोद्धार किस राजा ने कराया था? सुदर्शन शाह ने। लक्षेश्वर मंदिर किस जनपद में स्थित है? उत्तरकाशी में। लक्षेश्वर मंदिर उत्तरकाशी में स्थित है। ठीक है, बंदरपूछ कितने शिखरों का समूह, जो बंदरपूछ है कितने शिखरों का सामूहिक नाम है? 3 शिखरों का सामूहिक नाम है बंदरपूछ। नेक्स्ट है, किस पर्वत का प्राचीन नाम कालिंदी पर्वत था? किसका नाम था? बंदरपूछ का प्राचीन नाम कालिंदी पर्वत था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तराखंड को CCI द्वारा पार्टनर स्टेट का दर्जा कब दिया गया था? CCI द्वारा पार्टनर स्टेट का दर्जा दिया गया था अक्टूबर 2001 में। ठीक है, राज्य का कौन सा नगर विल्व व नील पर्वतों के बीच बसा है? विल्व व नील पर्वतों के बीच कौन सा नगर बसा है? यह है हरिद्वार। नेक्स्ट है, राज्य के किस नगर को चारों धामों का द्वार कहा जाता है? हरिद्वार को। ठीक है, नेक्स्ट है, गांधी जी ने हरिद्वार की यात्रा कब की थी? 1915 और 1927 में, दोनों टाइम पीरियड में। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
सप्तऋषि आश्रम किस जनपद में स्थित है? जो सप्तऋषि आश्रम है ये किस जनपद में स्थित है? हरिद्वार में स्थित है। वैदिक साहित्य के अनुसार किस भूमि पर आर्यों से पूर्व असुर जाति के लोग रहते थे? देहरादून भूमि पर। भागीरथी रिसोर्ट्स किस जनपद में स्थित है? जो भागीरथी रिसोर्ट्स है ये देहरादून में स्थित है। वैद्यनाथ मेला किस जनपद में लगता है? जो वैद्यनाथ मेला है ये किस जनपद में लगता है? तो ये लगता है बागेश्वर में, वैद्यनाथ मेला बागेश्वर में। नेक्स्ट है राजाओं की घाटी किस जनपद का उपनाम है? जो राजाओं की घाटी अल्मोड़ा का उपनाम है। विकासनगर का पुराना नाम क्या है? चूड़पुर है विकासनगर का पुराना नाम। सतपुली किस नदी के तट पर बसा हुआ? जो सतपुली पूर्वी नयार के तट पर बसा है। हिमालय का इतिहास पुस्तक के लेखक कौन है? मदन चंद्र भट्ट। नेक्स्ट है उत्तराखंड में राष्ट्रीय राजमार्गों की संख्या कितनी है? 14। धर्माधिकारी कहते हैं किसको कहते हैं? धर्माधिकारी महेंद्र शर्मा को धर्माधिकारी कहते हैं। बुद्धा टेंपल मंदिर कहाँ स्थित है? बुद्धा टेंपल मंदिर है कहाँ स्थित है? देहरादून में। कुब्जामृक किसका प्राचीन नाम है? जो कुब्जामृक है ये किसका प्राचीन नाम है? ऋषिकेश का। ठीक है नेक्स्ट है श्रीमती मदनी देवी को राष्ट्रीय जीवन रक्षक पुरस्कार कब दिया गया? जो श्रीमती मदनी देवी है राष्ट्रीय पुरस्कार जीवन रक्षक पुरस्कार दिया गया 2008 को। ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन है कांची धाम स्थित है? जो कांची धाम है ये कहाँ स्थित है? ये है नैनीताल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेम नागराजा मंदिर किस जिले में है? सेम नागराजा मंदिर है टिहरी में। नेक्स्ट है हरियाली देवी मंदिर किस जनपद में है? रुद्रप्रयाग में। रवाई किसान मेला किस जिले में लगता है? जो रवाई किसान मेला है ये लगता है टिहरी में। नेक्स्ट है कंडक मेला लगता है? जो कंडक मेला है ये कहाँ लगता है? उत्तरकाशी में। चंद्रवाली आभूषण पहना जाता है? चंद्रवाली आभूषण कहाँ पहना जाता है? गले में पहना जाता है। पुलिया आभूषण कहाँ पहना जाता है? पैर में पहना जाता है पुलिया। अल्मोड़ा नगर की नीम किसने रखी? भीष्मचंद ने रखी अल्मोड़ा नगर की नीम। ठीक है नेक्स्ट है पेशावर कांड में गढ़वाली सैनिक के अंग्रेज कमांडर कौन थे? गढ़वाली सैनिक के अंग्रेज कमांडर रिकेट थे। ठीक है नेक्स्ट है अशोक आंदोलन के समय कुमाऊं परिषद के अध्यक्ष कौन थे? जो अशोक आंदोलन उसके समय कुमाऊं परिषद के अध्यक्ष हरगोविंद पंत। मानसा ने किस शासक को स्वर्णिम विजेता की उपाधि दी थी? जो मानसा किस शासक को स्वर्णिम विजेता की उपाधि दी थी? तो कालो भंडारी को दी थी स्वर्णिम विजेता की उपाधि। हिमालय का कुंभ किसे कहते हैं? जो हिमालय का कुंभ है किसको कहते हैं? नंदा राजात को। ठीक है नेक्स्ट है राज्य में सड़क आंदोलन कब हुआ? जो राज्य में सड़क आंदोलन कब हुआ? 1940 को। वैग्रेग चिन्ह किस जनजाति से संबंधित? जो वैग्रेग चिन्ह है ये किस जनजाति भोटिया से संबंधित है। मलयू रोकनी नामक फूलों की घाटी किस जनपद? मलयू रोकनी नामक फूलों की घाटी चमोली में स्थित है। कोट ब्राह्मरी मंदिर हेतु किस शासक ने भूमि दान की थी? किसने की थी? लक्ष्मी चंद ने। ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन है खटीमा का प्राचीन नाम क्या था? जो खटीमा उसका प्राचीन नाम क्या था? मकरपुर। खटीमा का प्राचीन नाम मकरपुर। चकाता महल का निर्माण किसने करवाया था? जो चकाता महल उसका निर्माण किसने करवाया था? त्रिलोक चंद ने। ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन है बिनसर महादेव मंदिर का निर्माण किस चंद शासक ने करवाया था? ये करवाया था कल्याण चंद ने। नेक्स्ट है क्या है जंगल के उपकार? मिट्टी और बयार, मिट्टी पानी और बयार जिंदा रहने के आधार उपयुक्त वक्के किस आंदोलन से संबंधित है? यह चिपको आंदोलन से। नेक्स्ट है चंद शासकों के समय युद्ध के समय लिया जाने वाला कर कौन सा था? युद्धकालीन जो कर था वो कौन सा था? मांगा कर। कुंवर विचित्र सार चित्र संग्रहालय किस जनपद में स्थित है? यह टिहरी में स्थित है। ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से लोहे से बना एक छोटा सा वाद्य यंत्र कौन सा था? जो लोहे से बना एक छोटा वाद्य यंत्र था वो कौन सा था? वीणाई। नेक्स्ट है तारकेश्वर मेला किस जनपद में लगता है? तारकेश्वर मेला पौड़ी में लगता है। कैंटी फॉल जलप्रपात किस जनपद में है? टिहरी में। निम्न में से 1960 में स्थापित जनपद हैं चमोली, पिथौरागढ़, चमोली और उत्तरकाशी उपयुक्त सभी। ठीक है नेक्स्ट है कोटा बाग विकासखंड किस जनपद में? जो कोटा बाग विकासखंड है नैनीताल में है। मलवाताल किस जनपद में स्थित है? नैनीताल में मलवाताल। ब्रह्मा पर्वत किस जनपद में स्थित है? जो ब्रह्म पर्वत है ये पिथौरागढ़ में स्थित है। गौरी मंदिर किस जिले में है? जो गौरी मंदिर है ये किस जिले में है? तो ये है बागेश्वर में गौरी मंदिर। ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन है गुरु मणिकनाथ मेला किस जनपद में लगता है? जो गुरु मणिकनाथ मेला लगता है टिहरी में। रामायण उत्सव में किस नृत्य शैली का प्रयोग किया जाता है? जो रामायण उत्सव है इसमें मुखोटा नृत्य शैली का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है काफली गैर व दूग नाकुरी तहसील के जनपद में? काफली गैर व दूग नाकुरी तहसील है बागेश्वर में। नेक्स्ट है अटारिया देवी मंदिर किस जनपद में स्थित है? ये ऊधम सिंह नगर में स्थित है अटारिया देवी मंदिर। ठीक है नेक्स्ट है गोरखा शासन के समय शुभ अवसरों और शादी के समय लिया जाने वाला कर कौन सा था? तो इस समय लिया जाने वाला कर था टीका या टीका भेंट कर। ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन है देवलथल तहसील किस जनपद में स्थित है? जो देवलथल तहसील है ये पिथौरागढ़ में स्थित है। धारी व कुशिया कुटोली तहसीलें स्थित है नैनीताल में धारी व कुशिया कुटोली। उत्तराखंड राज्य वाद्य यंत्र ढोल को कब घोषित किया गया था? 2015 में। देश में दो दो विधानसभा भवन किन किन राज्यों में है? यह है महाराष्ट्र, उत्तराखंड और जम्मू कश्मीर में। ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन है उत्तराखंड में विधानसभा का प्रथम सत्र कब से प्रारंभ हुआ था? जो विधानसभा का सत्र है ये कब से प्रारंभ हुआ था? ये होता है 9 जनवरी 2001 से। उत्तराखंड के संभागों की संख्या कितनी? उत्तराखंड में कितने संभाग हैं? ये हैं दो संभाग। ठीक है नेक्स्ट है स्कंद पुराण में नंदा देवी पर्वत से कालगिरी तक के क्षेत्र को क्या कहा गया है? तो इस क्षेत्र को क्या कहा गया है? कुमाऊं क्षेत्र। अल्मोड़ा के जाखन देवी मंदिर में किसके निवास की पुष्टि है? किसके निवास की पुष्टि है? यक्षों की। नेक्स्ट है कार्तिकेयपुर राजाओं की राजभाषा क्या थी? संस्कृत। सर्वाधिक प्रसिद्ध नाग मंदिर बैरीनाग मंदिर किस जनपद में है? यह है पिथौरागढ़ जनपद में। चंद्रवंश का अंतिम शासक कौन था? महेंद्र चंद। लाकमंडल किन दो नदियों के संगम पर स्थित है? यमुना व रिखनाड़। ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन है गोल आकृति वाला ताल कौन सा है? जो गोल आकृति वाला ताल है कौन सा है? झिलमिल ताल। ठीक है नेक्स्ट है रानीबाग की किस नदी के तट पर स्थित है? जो रानीबाग है ये गोला नदी के तट पर स्थित है। नचिकेता ताल स्थित है उत्तरकाशी में। फ्रैंक स्मिथ ने फूलों की घाटी की खोज कब की थी? जो फ्रैंक स्मिथ था उसने फूलों की घाटी खोज कब की थी? 1931 में की थी। ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन है पृथक उत्तराखंड राज्य को सर्वप्रथम अपने घोषणा पत्र में शामिल करने वाली पार्टी कौन सी है? भाजपा। नेक्स्ट क्वेश्चन है
उत्तराखंड में लगे उत्तराखंड में लगे कि राज्यों की संख्या कितनी, उत्तराखंड में जो लगे राज्यों की संख्या कितनी है, यह दो राज्य हैं जो उत्तराखंड से लगे हैं, ठीक है। राज्य का कौन सा जनपद है जिसे दो देश स्पर्श करते हैं, कौन सा जनपद है जिसको दो देश स्पर्श करते हैं, पिथौरागढ़, ठीक है। उत्तराखंड में सबसे अधिक ऊंचाई वाली पर्वत चोटियां किस जिले में है, यह है चमोली में। नेक्स्ट है मंदाकिनी और धूलघाट नदी का संगम स्थित है, मंदाकिनी और धूलघाट नदी का जो संगम है अगस्त मुनि में, ठीक है। नेक्स्ट है सिख तीर्थ स्थल मीठा रीठा साहिब किन दो नदियों के संगम पर स्थित है, यह लदिया और राठिया। नेक्स्ट है उत्तराखंड में वास्तु तथा मूर्तिकला क्षेत्र में स्वर्णकाल किस वंश के समय माना जाता है, जो उत्तराखंड में वास्तु व मूर्तिकला का स्वर्णकाल किसके समय माना जाता है, यह माना जाता है कार्तिकेयपुर राजवंश के। किस किले को फोर्ट मोयरा कहा जाता है, जो फोर्ट मोयरा लाल मंडी के किले को कहा जाता है फोर्ट मोयरा, ठीक है। मल्ला महल किस चंद शासक राजा ने बनाया था, जो मल्ला महल कल्याण चंद ने बनाया था, ठीक है। नेक्स्ट है आजाद हिंद फौज में वीरता दिखाते हुए कितने गढ़वाली सैनिक शहीद हुए, कितने हुए 800 सैनिक शहीद हुए, ठीक है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने अपने किसे अपना निजी सहायक बनाया था, बुद्धि सिंह रावत को अपना निजी सहायक बनाया था। अलमोड़ा अखबार किस भाषा का था, जो अलमोड़ा अखबार है वो किस भाषा का था, ये था कुमाऊनी भाषा का। नेक्स्ट है 1914 में होम रूल लीग के संस्थापक कौन थे, जो 1914 में होम रूल लीग के संस्थापक कौन थे, विक्टर मोहन जोशी, बद्रीदत्त पांडे, चिरंजीव लाल, उपयुक्त सभी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बैरिस्टर मुकुंदीलाल और अंशिया प्रसाद बहुगुणा ने कांग्रेस के अमृतसर अधिवेशन में कब भाग लिया, इन्होंने कब भाग लिया 1919 के अधिवेशन में भाग लिया, ठीक है। नेक्स्ट है नशा नहीं रोजगार दो का नारा उत्तराखंड संघर्ष वाहिनी ने कब दिया था, ये दिया था 1984 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रथम अशोक चक्र किसे दिया गया था, जो प्रथम अशोक चक्र है ये दिया गया था भवानी दत्त जोशी को, ठीक है। नेक्स्ट है देहरादून वन संग्रहालय की स्थापना कब हुई थी, जो देहरादून वन संग्रहालय है इसकी स्थापना हुई थी 1914। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा और इस वीडियो में कमेंट करके हमें लाजमी तौर पर बताइएगा कि आने वाले वक्त में आप किस तरह की वीडियोस देखना पसंद करते हैं, और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरन सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकॉन पर क्लिक करें ताकि मजीद आने वाली वीडियो जो हम वक्तन फवक्तन आपके लिए इस चैनल पर अपलोड करते हैं वो आपको वक्त पर मिलती रहे और आप उनसे मुस्तफीद होते रहें। अगली वीडियो तक हमें दीजिए इजाजत, अपना ख्याल रखिएगा। ताज़ा तरीन अपलोड्स की नोटिफिकेशन हासिल करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में दिए गए घंटी के निशान को दबाना ना भूलें।